Subscribe to Zoom and click on the bell icon for the latest updates. Yaar Mera Superstar. Welcome to Yaar Mera Superstar. Mera naam hai Sangeeta and today on the show time aa gaya hai to stand up for love and in love. Ye jo potent experience hai वो आज जानोगे यार मेरा सुपरस्टार में, क्योंकि देयर इज ऑफ कोर्स आयुष्मान खुराना भूमि पेडनेकर ऑन द शो. वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू संगीता. तो थोड़ा टाइम पहले मैं यही बोल रही थी. लॉन्ग टाइम यार, लॉन्ग टाइम नो सी. इतनी मुद्दत हो गई, तुम नजर ही नहीं आती हो यार. कहां पे थे तुम? भी नहीं आ रही आजकल, क्या करें. यही वजह है. मतलब लास्ट टाइम आल्सो दोनों हैव टोल्ड मी कि बहुत जल्द मिलेंगे, बट कांग्रेचुलेशंस गाइस. टॉयलेट एक प्रेम कथा, बरेली की बर्फी एंड नाउ दिस मूवी. सो लेट्स स्टार्ट इट ऑन अ गुड नोट्स. सावधान, मतलब ये अमेजिंग है विद द स्टोरी. ये टाइटल फैबुलस. बट जब प्रसन्न आए थे टू यू, डिड यू नो कि आयुष्मान थे इस फिल्म में? नहीं, मुझे नहीं पता था. इनफैक्ट आनंद सर ने मुझे ऑफिस बुलाया था. उन्होंने कहा एक नरेशन है, आके एक बार सुन ली. मैंने कहा ऑफ कोर्स. मैं गई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था व्हाट द फिल्म वाज अबाउट जब तक वो बिस्किट गिरने वाला सीन आता है. वो बिस्किट गिरता है और मैंने कहा ये क्या हो रहा है. अंटिल देन इट वाज दिस मैड हाउस फिल्म जहाँ पे अतरंगे किरदार थे, ब्यूटीफुल लव स्टोरी थी, ऑल ऑफ दैट वाज देयर. फिर बिस्किट गिरता है एंड बिलीव मी उस नरेशन में 2 घंटे में से पेट पकड़ के हंसी हूँ. और मैं घर गई, मैंने अपनी मादर को कहा, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी फिल्म, हटके फिल्म है, यूनिक है. एंड मैंने अपनी मादर को कहा कि यू नो आई नीड यू टू रीड दिस, यू नो टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट. उन्होंने पढ़ी एंड उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए तो ये फिल्म नहीं छोड़ रही है. एंड इट वॉज सो अमेजिंग फॉर मी टू गेट सच अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हर, बिकॉज यू नो द टॉपिक इज सच. बट इफ माई मम वॉज कम्फर्टेबल रीडिंग इट एंड शी हैड अ ग्रेट लाव, दिस मीन्स द राइटर एंड द राइटर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट राइट. एंड वी रियलाइज दैट भूमि जो है, जो भी फिल्म करती है वहाँ पे शादी तो होनी है, उसके बाद प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं. एक्चुअली इस केस में शादी के पहले सब कुछ हो रहा है, इसलिए बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है. बट शादी हैज टू बी अ पार्ट ऑफ टू. रियल लाइफ में नहीं कर रही है ना, तो इसके ठीक है. रियल लाइफ में नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है. आज का ये मतलब रेवोल्यूशन कंपनसेट कर रही है. मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था दैट माय मोस्ट फेवरेट जॉनरा नाउ इज व्हेन भूमि पेडनेकर डिसाइड्स टू गेट मैरिड. दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली सही जवाब. बट व्हेन आई लुक टू यू, टुवर्ड्स यू, मतलब लाइफ फुल सर्कल है. स्टार्ट किया डोनर होते हुए, अब तो नो डोनर. मतलब हो क्या रहा है? वही 5 साल में देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अच्छा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. लेट्स डिस्कस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. मतलब कुछ भी ज्यादा आप कर दो तो फिर आप शायद प्रॉब्लम में आ जाओ. वही हुआ मेरे साथ इस फिल्म में को लेकर, फिल्म में को लेकर. विकी डोनर के बाद आप शुभंगल सावधान पे आ गए 5 साल बाद. बट मैंने ये कॉन्सेप्ट एंड दिल्ली, एंड इनफैक्ट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विकी डोनर दम लगा के आया, क्योंकि दिल्ली और हरिद्वार दोनों है. That's true. Yeah. वो टॉपिक भी वो है और कास्ट मिक्स्ड है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विकी डोनर दम लगा के आया टू कमिंग टुगेदर. पहली बार मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था प्रसन्ना जब मुझे मिलने आए थे यशराज में आज से 3 साल पहले, और 1 लाइन उन्होंने सुनाया था कि यार एक कॉन्सेप्ट ये है और ये साउथ की विकी डोनर कही जाती है. 2013 में रिलीज हुई थी और आई वाज रियली शॉक. मैंने कहा क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल ही उसको उल्टा है. इट्स एन एंटीथीसिस ऑफ विकी डोनर. आई वुड लव टू डू इट. मेरे अलावा और कौन कर सकता है, मैंने ये सोचा था. तो 3 साल के मुझे टाइम दो, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अभी हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ या फिर कुछ रीइन्वेंट करता हूँ. 3 साल लगे उनको वापस आने में एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ. 30-35 ड्राफ्ट्स हो चुके थे. बरेली की बर्फी की शूटिंग चल रही थी लखनऊ में, तो प्रसन्ना आते हैं, हितेश कवल्या जो राइटर हैं फिल्म के, लखनऊ में, और ये स्क्रिप्ट सुनाई. एंड आई वॉज लाइक हाँ, जैसे बिस्किट गिरा मैं पेट पकड़ कर कुर्सी से गिरा हंसते. क्लीन बोल्ड. तो मतलब ऐसे मैंने कहा आई एम डूइंग दिस फिल्म. अमेजिंग. बट डिड यू नो कि भूमि इस फिल्म में है? एक्चुअली आई हैव नेवर आस्क्ड यू दिस. डिड यू नो कि पहले जब नरेशन हुआ था? इनफैक्ट जब नरेशन हुआ था उन्होंने बोला कि या वी आर कंसिडरिंग भूमि. Listen, the world has been waiting for you both to do a film. You know, after दम लगा के हैशा, कितने questions हुए? इतने साथ में offers आए, like हमने कहा कि क्या, but this was the most promising thing, and I think after दम लगा के हैशा we had to really कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ अगेन कोई ऐसी स्क्रिप्ट जहाँ पे हम वो मैजिक रिक्रिएट कर पाए. एंड आई थिंक वी
this is that film. Amazing. I think the kind of choices we've been making थोड़े similar हैं हमारे choices. मैं वही बोल रही थी ना दोनों हटके वाले scripts की. हमारी sensibilities भी similar हैं. The kind of films we like watching, the way we, I think even perceive a script is very similar. You know, that's why we really get along creatively when it comes down to making films. Wow. And Kalyan is acting in films. Yeah. But Kalyan is Amiyal Saatham देखा दोनों ने कि नहीं. नहीं देखा मेरे को लगा इसमें भी तमिल कनेक्शन होगा कंसीडरिंग योर पिछले मूवी में आल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ तमिल बैंटर यार वो नहीं देखना चाहिए आई थिंक आप कोई भी रीमेक या रीबर्थ जो प्रसन्ना बोलता है कि ये फिल्म रीमेक नहीं है रीबर्थ है जस्ट द जर्म इज द सेम पूरी कहानी अलग है He says it's a spiritual remake. Yeah. That's the term. Yeah. And this is the first time I've heard it. Prasanna is the only one who's not said recreate. In spirit is the same. Because the germ is the same. Sirf erectile dysfunction ka subject same hai. Baaki kahani bilkul alag hai. अच्छा तो ये सिमिलर स्टोरी नहीं स्टोरी भी सेम नहीं सिर्फ वन लाइन सेम वन लाइन सेम है व्हाट आर यू सेइंग मेरे को तो लगा इट्स द आसपास जो दुनिया है जो स्क्रिप्ट है जो जो होता है एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट दैट्स व्हाई वी डिडंट रियली फील द नीड टू सी बिकॉज़ प्रसन्ना ने तमिल वाला वर्जन भी डायरेक्ट किया है तो आई थॉट ही इज just made the hindi version as well no. in fact hota ye hai ki normally aap dekhte hain film fir remake ka sochte hain i think agar aap dekhenge pehli film ab to comparisons mein chale jayenge correct to aap references mangenge ye yahan par hua i think objectively agar aap ek script sunte hain uska impact i think intuition jaldi hoti hai ki aapko film karni hai ki nahi karni right but thoda time pehle we spoke about biscuit scene mera favorite scene okay do hai ek to wo nal wala scene hai And दूसरा is biscuit. This stays with you. यार देखो ऐसा है कि वो scene करने के बाद ना biscuit खा नहीं पा रहे हैं। I want to know. Biscuit खाते हुए ना definitely नहीं खा पा रहा। Biscuit खाते हुए मुझे लगता है यार नहीं यार let it be. मेरा बहुत मन करता है वो glucose biscuits ना। यार that's childhood memories का। बचपन से खा रहे हैं लेकिन। आयुष्मान का favorite हमने combination उसे छीन लिया हमने जाने biscuit। Now whenever he looks at Paliji is not thinking of a biscuit. He can't say Paliji because it's a brand. Glucose biscuit. glucose biscuit needs it. But कितने biscuits चबाने पड़े इसके लिए? यार चबाने तो पहुंचे ही नहीं ना तब वहाँ तक टाइम पे कैसे गिरा यार वही तो है बहुत हमें मजे किए थे एक्चुअली बिस्किट पेलने पड़े क्योंकि बिस्किट ने एक्टिंग करनी आपने तो करनी नहीं और वो चाय का परफेक्ट टेम्परेचर हमें चाहिए था जिसकी वजह से बहुत जल्दी ना गिरे बहुत लेट ना गिरे तीन चार सेकंड में गिर जाए उसका एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन प्राइसलेस देखने के बाद समझ नहीं यार एक जेंट्स प्रॉब्लम बाल तोड़ है क्या है देख रही है मुझे उसके बाद बिस्किट को देखती है मुझे देखती है बाल तोड़ लाइन इज आवर मोस्ट फेवरेट लाइन इन द फिल्म मुझे इतना इनोसेंस खाना बहुत पसंद है तो प्लीज बताओ अब क्या खाया है तुमने बिफोर दिस इंटरव्यू यार सबके डब्बे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई अगर तुमने खाना अपना खोल दिया मुझे खाना ही है उसमें और हम नहीं इसका खाना शेयर कर सकते So that, he's that's eaten. Now we've accepted him like that. Now we are okay with it. Like initially, so I like the way Bhumi says. Yeah, we've accepted. Yeah, we know it's okay. देखो मैं फिल्म में ना एक्टर्स के रोल नहीं खाता हूँ मैं खाना खाता हूँ which is better than amazing this. that is amazing yeah. lying that he marrowed right now very but selfless actor lekin selfish eater selfish eater that's true he's actually a very selfless actor he's one of those na jo bolta hai yaar meri line kaat do iski zarurat hi nahi ab ye karo yaar because Seriously? he's so secure as an actor should work like that but that's amazing yeah. isn't it but kya karele ke chips and all khaya ke karela khaya during you? scenes and all that that's actually what he khaya खाया जब हम गाना कर रहे थे उसी आई नो आज है हमारे गाने में जहाँ पे सुगंधा करेला बना के लाती है मुदित के लिए उस बेचारे को खाना पड़ता है करेला था रियल था और अच्छा था यार वी लव्स करेला मुझे एक्टिंग करने दी अच्छा नहीं है मुझे इतना या खाओगे तुमने एंजॉय करेला सुना उसमें चीनी थी वो नॉर्मली करेले की सब्जी में बिल्कुल चीनी यार बिकॉज इट्स अदरवाइज वेरी कड़वा चीनी डालते हैं हाँ तो इसीलिए आई थिंक वो बेरेबल था You'll still eat anything that Ayushman has on his plate, but Anand L Rai, dun 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 dun, मतलब भारी भरकर नाम, काम, everything. जब पता चला he's the producer, how was it interacting? I actually got a call from Anand sir. अच्छा. And हमारी association उनके साथ like sort of रह चुकी है. We've known him for a while now. Right. And he's one of the nicest people I know. He is just really sweet and you know एक बहुत
शांति मिलती है टू नो दैट अ फिल्म लाइक शुभ मंगल सावधान आनंद सर बना रहे, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटीज ऐसी सेंसिबिलिटीज है जहाँ पे यू नो कि कुछ गंदगी नहीं होगी फिल्म में, ये वो इट वोंट गो द अदर वे, लाइक यू नो इट वोंट टर्न इनटू लाइक अ सेक्स कॉमेडी बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल टॉपिक दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट. बहुत ही साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनर बनाएंगे वो, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था और वही बना है. एंड यू नो वो इतने फिनोमिनल प्रोड्यूसर है, क्योंकि यूजुअली अगर एक फिल्म मेकर स्लैश प्रोड्यूसर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करते हैं. आनंद सर रियली लेट प्रसन्ना डू हिज जॉब, फ्रीडम, यू नो उन्होंने पूरी गाइडेंस दी हमें, वो हमारे साथ टच में थे, लेकिन वो कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि वो सेट पे आके he was calling the shots. You know, that's why मुझे बहुत respect है उनके लिए. And even the way वो जितना believe करते हैं इस film में, it's literally like I feel like he's making a part three of that one. So this is part three. And very nice. It's not a cool, not a hot girl. Guys. To remember. We feel that special, that like it's his own film. Yeah. But you know, even जब पहली बार वो teaser आया ना, not a hot girl, like so and so, and not a hot. That was very cool. Very cool. Yeah, that was yeah. a Coolest part. कोई बात ही नहीं करता ऐसे, सब कूल बनने की दौड़ में लगे हुए हैं. ये अनकूल वाली स्टोरी बहुत अनकूल बन के कूल बन गए हम. बट कमिंग टू दिस टॉपिक, दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टॉपिक. लाइक इससे पहले जब मैं भूमि से बात करती थी, आई वाज टेलिंग हर कि यार मैं टॉयलेट बोल भी नहीं सकती, मुझे टॉयलेट जाना है. यू मेड टॉयलेट फेमस, नाउ विद दिस मूवी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एटलीस्ट लोग इसके बारे में बात करेंगे. ऑफ कोर्स मैंने, हां बोलो बोलो, गो ऑन. सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वाज नीडेड, नीड ऑफ द आवर था ये. ऑफ कोर्स ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज तक बात हुई नहीं है. इनफैक्ट मैंने किसी भी दोस्त से इनफैक्ट किसी सुना नहीं है इस बारे में, क्योंकि कोई बात करना ही नहीं चाहता. सब शर्माते हैं इस बात करने में, हर एक के अंदर मेल ईगो होती है कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, और है तो हम क्यों बताएं किसी को. एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि हमारा एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि हम मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द ऐसा होता है, हम एस्पायर करते हैं आयरन मैन, ही मैन, बचपन से अल्टीमेट अल्फा मेल बनने के लिए. जो यू नो असली में दर्द औरतों को भी होता है, मर्दों को भी होता है, शायद मर्दों को औरतों से ज्यादा होता है, क्योंकि औरतें फिर भी चाइल्ड बर्थ को करती हैं सफर जो मर्द कर ही नहीं सकते. इट्स अ टफेस्ट थिंग. और वही इस पे दिखाया गया है कि यार एक जेंडर पैरिटी है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप खुल के बताएं और उसको सॉल्व करें. डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट. राइट. एंड आई आल्सो फील लाइक आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने आके मेरे साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में वेयर द बॉय इज फेसिंग समथिंग लाइक दिस आके डिस्कस किया है. बट द सैड पार्ट इज वो मेरे साथ डिस्कस कर सकती है लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर सो स्केयर्ड कि वो ऑलरेडी, फर्स्टली मेन मोस्टली आर इन डिनायल. राइट, क्योंकि जैसे आयुष्मान ने कहा कि दे फील दे हैव अ लॉट टू लिव अप टू, कि जो एक मर्द को दर्द नहीं होता वाला कॉन्सेप्ट, दे हैव टू लिव अप टू दैट. लेकिन मैं उनको इतने बार कहती हूँ यार तुम जाके अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस करो. दे आर लाइक नहीं हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है इस बारे में कि अब मुझे लग रहा है इज इट बिकॉज ऑफ मी. तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाती है इन समथिंग लाइक दिस. एंड वी रियली होप इस फिल्म के बाद एटलीस्ट आपस में लोग बात करने लगे, यू नो, क्योंकि एक एज अ पार्टनर व्हाट आई एम डूइंग इन द फिल्म फॉर मुदित इज कि मैं उसे पूरा सहारा दे रही हूँ, मैं उसे पूरा सपोर्ट दे रही हूँ. एंड एट नो पॉइंट मैं उसे कह रही हूँ कि मैं उसे कह रही हूँ दैट लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग, बट यस सेक्स इज इम्पॉर्टेंट. And that's actually something that we should say out loud. And modern Indian ladkiyan, modern Indian kyun yaar, modern ladkiyan ladki aise hi hote hain. It is a part of life, it is a need, yaar. Exactly, but the beauty of these characters is that unko pure apne pyar pe bharosa, it's them against the world. Right. You know, ye kahani hai ek couple ki jo is situation ke sath deal kar rahe hai aur phir unki families bhi involve ho jati hain. Jo zyadatar होता है परिवारों में, यू नो, अगर एक मैरिटल इशू हो तो वो इवेंचुअली फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाए. एंड आई रियली होप इससे फैमिलीज में कॉन्वर्जेशन शुरू हो, बिकॉज यू नो आफ्टर मेरी मम्मी ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसके बाद मेरी रिलेशनशिप विद माई मॉम हैज चेंज्ड. वाओ, यू नो, एंड आई रियली होप दैट हैपेंस लाइक in various families. Listen, that's why we need to watch Shubh Mangal Savdhan. But yeah. Are you ready? You know, yes. On the show, you've been here before. Of course. Of course. तो veteran हो गए इस show में. पिछले 3-4 महीने 3 बार आ चुके. Veteran. Okay. क्या बात है का time है? Are you ready? Okay. Number one. My favorite. यहाँ पे टप टप मुदित को रियलाइज होता है कि कुछ टपक टपक नहीं रहा है. देखो टपक नहीं तो टपक फिर भी सकते हैं, लेकिन मुदित को रियलाइज होता है कि सच में बिस्किट अब गिरने वाला है. ओके. गया, गिर चुका है बिस्किट गिर चुका है. इज दैट डेड पैन साइलेंस जो होती है ना, जो स्कैरी साइलेंस, स्कैरी साइलेंस
वो है nerve-wracking side. My God, but this is one of my favorite parts of the trailer. अब ये काफी क्यूट सा सीन है ये. Yeah, this is actually one of the most, this is one of the sweetest scenes that I've shot. In fact, ये हमने improvise किया. Yes. ये script में सिर्फ एक किस था. हमने सोचा मैं helmet पहनेंगे. पहले किस करेंगे, हेलमेट का वाइजर बीच में आ जाएगा, किस नहीं होगा, मैं इधर उधर देखूंगा, फिर वाइजर ऊपर होगा, फिर इधर देखूंगा, फिर किस करूंगा और चली जाएगी और मैं जोर से वाइजर को स्मैश करके ऊपर चली जाती है, बिकॉज़ प्रोबब्ली दिस वाज़ द फर्स्ट किस. एग्जैक्टली, और इट्स सो क्यूट. या, और पता है लाइक इन दोनों के लिए दिस इज फर्स्ट लव. सो बंदा हैज नेवर, उसने कभी, शी इज नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड, शी इज नेवर एक्सपीरियंस्ड a male influence like this in her life. Right. You know, तो उसके लिए तो this, she's waited पूरी जिंदगी वो रुकी है इस एक किस के लिए. एक किस के लिए. और ये इतना special moment है फिल्म में, और इसके बाद तो खैर biscuits गिरने शुरू. ये biscuits मतलब, dude, you're getting me all tempted. Yeah. Eat. Eat the biscuit. Let's just clarify. Eat the biscuit. Okay. ये वाला. Oh. ये full ऐसे फिल्मी भागना. तो क्या होता है, ज्यादातर हम देखते हैं कि pre-wedding shoot होती है आजकल शादियों में, और ये हमारी मुदित और सुगंधा की प्री वेडिंग शूट है, जहाँ पे मतलब हम वो क्लीशे चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे हाथ रखना, एक दूसरे के साथ दिल बनाना, लेट के लॉन पे दिल के शेप में हम लेटे हुए हैं. अपनी तरफ से हम 48 फ्रेम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैमरा ने पूरे नॉर्मल फ्रेम में किया है, तो इसलिए हम लगा था अंदर से कि शायद 48 फ्रेम दिखेगा, दे थॉट इट्स लुकिंग सो फनी कि रियल रख देते हैं. तो यार वेरी नाइस. लाइफ में किया था प्री वेडिंग शूट आयुष्मान? प्री वेडिंग शूट हर एक का होता है, पर तब तो बहुत सिंपल सा नॉर्मल होता है पोज. वुड यू डू अ प्री वेडिंग शूट एवर? या आई एम गोना हैव लाइक वन ऑफ दोस मैसिव वेडिंग्स. सो प्री वेडिंग, अच्छा, यू लाइक फुल, लेट्स से बचपन में, अनलेस आई रीच द पॉइंट एंड आई डिसाइड दैट नहीं करना है ये, कोर्ट में जाके कर लो, बहुत बड़े चांसेस हैं, धूमधाम चांसेस ऑफ शादी या भूमि. अच्छा, ये ओ सच अ स्पेशल पिक्चर, इतने सारे लोग, प्लीज कीप इट. यस, कैन आई कीप ऑल ऑफ दिस? यस यस, थैंक यू सो मच. सो ये हमने, ये एक वो दिन था जहाँ पे पूरा कास्ट शूट कर रहा था साथ. इनफैक्ट कुछ एक हफ्ता 8-10 दिन थे, एवरीबडी लाइक एवरी कास्ट मेंबर वाज प्रेजेंट, एंड वी डिसाइडेड टू टेक अ ग्रुप फोटो. एंड यू नो एज अ यूनिट वी ऑल वर वेरी थिक, एंड कुछ लोग थे जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके थे. द एवरेज एज ऑफ दिस set was 30, so it was a very young crew. Our director, and it was the first time that we were working with a director jisko hame sir nahi bola. So, you know, vibe, our DOP was very young, we were very thick friends, and this is a very special picture. Yaar, ispe na actually of course pura cast and crew yahan par hai, aur ye tab ka set hai jab hamari jahan pe shaadi ho rahi hai. Acha, so that's why everybody is there. So we are celebrating the marriage and also the film, because it was like one huge party. मतलब ऋषिकेश की है, और ऋषिकेश में हम रोज पार्टी करते थे. ऋषिकेश में पार्टी, वाओ यार. हम तो क्या होता है बाकी आफ्टर शूट, हम शूट कर चुके हैं वहाँ, तो हम तो ऐसे थे जैसे हम लोकल सीमा मैम एंड आए, हम ऐसे थे जैसे हम यहाँ के टूरिस्ट गाइड. कहाँ जाना है तुम्हें, ये कैफे नहीं यार, वहाँ चलते, वहाँ का खाना बेटर है. लाइक यू नो, इट वाज अमेजिंग. एवरी डे वी वुड प्लान. हमने बहुत अच्छे दोस्त भी बना दिए थे ऋषिकेश. सुमंत और प्राची हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए. स्पेशल शाउट आउट टू देम, क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली बहुत 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 प्यार दिया. सुमंत के घर से मेरे पास खाना आता था. खाना इम्पोर्टेंट है बहुत, हर जगह पर, हर एक फिल्म में, जो शहर में, घर से घर का खाना. एक दोस्त होता है मेरा जहाँ से घर का खाना आता है, सुमंत के घर से ऋषिकेश से खाना आता था. That's amazing. By the way, first of September, हरिद्वार में हमारे फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है. अरे वाह. With the journalist, हरिद्वार में. पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद फिल्म देखेंगे शुभ मंगल सावधान. बाकी चीजें नहीं डूबेगी होपफुली. यार ये तो मैं बताता हूँ ये क्या हुआ. तब भूमि पेडनेकर टॉयलेट के प्रेम कथा की रैप अप से आ रही थी. मैं पूछा था ये लिक्विड क्या है. What is this? Look at the color of the. I was thinking. Look at the color of the bottle. हाँ, color of the bottle. Liquid का color देखो. और toilet shoot करके आ रही, तो कि क्या है? हे भगवान. क्या आप? ये दिमाग में चल रहा है कि ये क्या पी रही है? क्या पी रही है? ये बोल उस आके मुझे बोला. और मैंने caption भी Instagram पे ये डाला. What is she having after doing this film called Toilet? You want to clarify what are you having? Yeah, it was some. Gatorade. हाँ, Gatorade type कोई चीज थी. मतलब energy drink. Yeah. Energy drink ही थी. हाँ हाँ. Of course, guys. स्टैंड ऑन दिस इशू.
And he is in firm. But मैं ये सोच रही हूँ last time जब भूमि आई थी on the show, you know, you need to know this, okay? So अक्षय कुमार was like, मैं हूँ तो ये फिर भी मेरे साथ तो बहुत बात करती है, आयुष्मान को ये बात ही करने नहीं देने वाली. Yeah. I mean, Akshay Kumar, are you seeing? Ladki badi ho gayi. Yeah, I literally would not. You would not. You know, there are interviews jahan pe, sir, main 2.5-3 minute baat ki ja rahi hoon, sir, dekh rahe hai, aur bol rahe ki. So he said, next time, Ayushman ke saath hi aane wali hai. To bola unhone. Yeah, and he said, ye Ayushman ke face pe aise rakh ke bolegi, mat bol, main bolungi. But... देखो यार यहाँ पे कामा की बात हो रही है, हमारे फिल्म के कामा सूत्रा की बात हो रही है जो पॉसिबल नहीं हो रहा है फिल्म के अंदर. But anyway, okay, that was the best line of the episode today. Okay, so क्या plug किया है तुम्हारा sponsor में? Thank you. क्या plug किया है? देखो आप. We do something called as Sangeeta wants to know. You obviously know that by now. Are you ready for the questions? No. No? Okay, we'll still go ahead. Wait. Okay. I'm ready. You're ready? भूमि, एक फिल्म जो तुमने 100 बार देखी है. रंग दे बसंती. 100 बार तो नहीं, बट मैक्सिमम अगर कोई फिल्म देखी है, इट्स रंग दे बसंती. आई थॉट इट वाज अनदर फिल्म. यू नो, आई डोंट नो वेयर हैज दिस फिल्म कम फ्रॉम. आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट और नॉट. व्हिच वन? या लेकिन मैंने देखी है देशद्रोही, लेकिन मैंने 100 बार नहीं देखी. आई डोंट नो वेयर हैज दिस कम अप फ्रॉम. क्लैरिफिकेशन राइट नाउ ऑन यार मेरा सुपरस्टार. बहुत लोग पूछ चुके हैं, मैंने कहा क्यों आपको लगता है कि मैंने 100 बार देखी है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक फर्स्ट थिंग आई हैव टू आस्क यू इज रियली. या आई हैव सीन इट एंड आई एक बार में समझ नहीं आई ये. बट इट्स रंग दे बसंती फॉर यू. आयुष्मान, कोई फिल्म दैट यू लव टू वॉच? फिल्म मैं 100 बार नहीं देखी, मैं एक ही बार देखता हूं हर एक फिल्म. सो लव टू वॉच. लेकिन हां, ऑफ कोर्स मैं जोजीता वही सिकंदर बहुत बार देखी है. अरे हम आपके कौन बहुत बार देखी है? मैंने प्यार किया बहुत बार, क्योंकि ये दो मैंने प्यार किया हम आपके कौन की कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स मेरे चाचा के घर पे होती थी और जब भी वहां जाते थे ना तो मैं उनको प्ले कर देता था और देखता रहता था, देखता रहता. अब ये कैसेट्स चैनल वाले लोग प्ले कर रहे हैं क्योंकि एवरी वीकेंड वी वॉच दिस मूवी. ओके, भूमि को कितने लोगों ने पूछा है, अरे यार यू लॉस्ट सो मच वेट, डाइट शेयर करो. गॉड, आई हैव लॉस्ट काउंट. आई हैव लॉस्ट काउंट, लाइक लिटरली दम लगा के आयशा के बाद मुझे ऐसे लग रहा था मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन गई हूँ. एक्टर नहीं, हर इंसान, द स्किनियस्ट टू द बिगेस्ट पीपल वुड आस्क मी हाउ हैव यू लॉस्ट. एंड व्हाट डिड यू से? पूरा फुल ड्रामा. मैं पहले तो बहुत स्वीटली समझाती थी, फिर इतना पक गई, मैंने कहा यार मैंने ना डिसाइड कर लिया आई एम गोना शेयर एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम. आई स्टार्टेड शेयरिंग माय एंटायर जर्नी और अब सबको बोलती जाके मैं इंस्टाग्राम चेक कर रही हूं. आई तो कांट बिकॉज़ यार एवरीबॉडी आस्क दिस क्वेश्चन एनीवे, क्योंकि अभी ऑस्ट्रिया जाने का ट्रेंड जो है, यू नो, एवरीबॉडी इज गोइंग देयर. सो एवरीबॉडी इज थिंग दैट स्टार्ट एंड भूमि डिडंट गो देयर. सो दैट्स लाइक वाओ, शी डिड एक्चुअली. आई हैव डन इट ऑल नेचुरली. एनीबॉडी हु इज ऑन अ वेट लॉस जर्नी, मैंने सब नेचुरली किया एंड इट्स पॉसिबल एंड प्लीज डू इट दैट वे ओनली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, Ayushman, blogs you used to write. Yeah. Do you still write blogs? Yeah. I write weekly columns for a newspaper. Yeah. And blogs मैं लिखता हूँ, वही upload करता हूँ blogs. तो वही होता है. That reminds me, आज deadline है मेरी. मुझे आज एक column लिखना है. पर यार Ayushman कैसे लिखता है? मैंने एक दिन उससे पूछा, तो क्या करा कोने में बैठ के ना फोन पे लगा हुआ है, जब अपना column लिख रहा, मैंने कहा फोन पे? ऐसे फटाफट इन 10 minutes he was done. It was such a good column. Like he's really gifted. He's I don't a pro understand. At this. How can somebody write so well, sing so well, compose music, act so and well, and be married? Talk and be married. मतलब सर्वगुण संपन्न हुआ. Not in this film. And a great husband. नहीं ऐसा नहीं है, इस फिल्म में मैं सर्वगुण संपन्न हूँ. अच्छा हो. Of course मैं इस फिल्म में सर्वगुण संपन्न हूँ. इसलिए तो इसके साथ है. तभी तो इसके साथ है लड़की. The thing is, problem के बावजूद पूरा भरोसा है कि मुदित will stand up for love. You will stand up. Mudit will stand up. We have to start a hashtag Mudit will stand up. Yeah. I've given an idea already. Yeah, thank you. Okay. But do you write your blogs Hindi mein? Yeah, Hindi mein main kavita hai likhta hoon. Blogs mein English mein likhta hoon. Ye poet bhi hai ab. Amazing. But I can't do this with him because I really feel like I have no skill. Matlab bahar chale jaate hain. Aisa nahi hai. Zyada hi talented hai. Aisa akeli kar le. Skill ki baat kar rahe ho, jo aaj tak koi Hindustan ki sarzameen par aisi actor paida nahi
हुई है जिन्होंने वेट गेन और लूज किया हो एक कैरेक्टर के लिए. आई नो, वो भी नेचुरली. वो भी नेचुरली. आमिर खान के अलावा कोई एक्टर है ही नहीं इंडिया में जिसने किया हो. आमिर खान ने 50 में आगे किया है. दैट्स ट्रू यार. भूमि डेब्यू फिल्म से. स्किल की बात कर रही हो तुम भूमि पेडनेकर. मतलब भूमि आंखों में आंसू आए. बढ़ाना और घटाना मेरा स्किल था फिर तो. नहीं मतलब नहीं बट यहां से कमिटमेंट का कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्राफ्ट. अमेजिंग. वाह. Yeah. This is like tick mark for you. Yeah. Okay. Is it true that Ayushman's father is an astrologer? Yeah. Yeah. So what is a prediction jo full on bang on has happened? Yaar, aisa hua tha jab main journalism maine complete kiya tha masters 2006-7 mein. Tab उन्होंने मुझे बोला था आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सबैटिकल कि मैं 2-3 महीने रेस्ट करूंगा, हॉर्स राइडिंग सीखूंगा, एक्शन सीखूंगा और अच्छा गाऊंगा, डांस करूंगा और मल्टी टैलेंटेड बनूंगा. हां, मैं सर्वगुण संपन्न एक्टर बनकर फिर जाऊंगा बॉम्बे. मेरे बैग पैक किए, लास्ट फाइनल एग्जाम था, बैग्स पैक किए, टिकट पकड़ाई, कट लो यहाँ से, बॉम्बे जाओ. आई वाज लाइक पापा मैं तो तैयार नहीं, अभी जाना पड़ेगा. मतलब लोग धक्के मार के, मतलब लोग नॉर्मली घर से भागकर एक्टर बनते हैं, मुझे भगाया गया था लाइक दैट. सो ही वाज लाइक दिस इज द राइट टाइम टू गो. And if you'll not go right now, तुम्हारा 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला. And अभी जाओगे, अभी जाओगे 2 हफ्ते में होगा. तो within 1 week, I was just there. You just audition did... दिया, like I was like I think radio का audition था, तो radio jockey बन गया. But I think the start was there, the trigger was there. This is so cool. Yeah. We want to meet your father. Yeah, I mean, I really want. Did you know I that? Really want... Then I became a radio presenter for 2 years in Delhi. And I was very happy doing the morning show. Mera show acha ja raha tha. Main akele reh raha tha. 22 saal. I was 22 and one of the known RJs in Delhi. Right. And youngest RJs and in Delhi. And morning show. I know how it is. Haan, the morning show. Akele rehta tha. Gaadi thi, bangla tha. Sab tha mere paas. Phir achanak papa ke din phone aata hai. Beta, ab Bombay jane ka time ho gaya hai. Aap settle. Niklo. Ab bahut settle ho gaye ho Delhi mein. Aapko actor banna hai. Bombay jao. Mere ka papa acha chal raha hai. 2-3 saal to rukne ho yahan pe. Nahi. To phir tabhi bhaga diya wahan se. So. अपॉइंटमेंट ना, पीपल आर गूगलिंग एंड ट्राइंग टू गेट एन अपॉइंटमेंट. ओके, एक थिंग अबाउट ईच अदर जो तुम चेंज करना चाहते हो. भूमि अबाउट आयुष्मान. आई थिंक ही शुड स्टार्ट शेयरिंग हिज फूड. Yeah, I really think he should start. Why is it? Everybody talks about food. She should start staring at. At? That is a long pause. Other men in the film. Okay. कोई करता है क्या ऐसे फिल्म के अंदर? कोई हस्बैंड जिसका मतलब हस्बैंड नहीं, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड जिसको प्रॉब्लम है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं यार. इतना क्या प्यार है यार. तो मतलब छोड़ के प्यार चल जाएगा. आई थिंक शी शुड स्टार्ट शेयरिंग हर डाइट प्लान. एनी फर्दर I'll have to like give them my DNA. पक्का इसने कुछ छुपा के रखा है. Blood test report. She's not shared everything. She's I'm not. Sure. I really want. चलो एक thing that you've not shared कुछ है. वो जो secret recipe होती है ना. हाँ यार. मैंने वो भी share किए हैं क्योंकि लोगों ने इतना you know मुझे इतने heartfelt emails और messages आते थे on Twitter etc. Facebook. हाँ. I was like dude I have to. I felt like I'm doing a social cause by sharing everything. Really. Which you have. You've not like left anything. Nothing. So now it's time to again search for that. Vlog. Okay, food that turns you on. Every food. Food. Yeah. Food. कुछ तो होगा यार. Aphrodisiac types. Food before sex. Really? Listen, yeah. Who has food before sex? Don't you feel full? No. Like he's saying food over sex. Like food if you had a choice before, before sex, before and sex also, after sex also, food every time. While having sex. No. That's too much. This is best. We wouldn't want to not while having sex, before sex and after sex, food for sure. Any food? Yeah. I mean, I'm a hardcore foodie, not like turai and doodhi and all. Like, I don't mind that also. Tinde, loki, anything. That's all you could think of today. Tinde, loki, carrots. Good. Yeah, of course we have to use metaphors for and this. And they're into the character already. I like this. Food before and after sex. Yeah. Okay. Whom do you speak to about your gents issue? Do you have anybody who you speak to? People speak to you about their gents. People speak to me and I have like my girlfriends that I discuss everything you with. You do, right? Because girls discuss. Girls actually talk a lot. But then boys anyways have that competition. They ask that they don't see tick, 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 how many more girls. So, ladke pe bade aise hue na that dude, I've scored more girls but than listen, you. But listen, guys, I have a lot of my guy friends who mere saath discuss karte hain. Yeah, actually, I also have guy friends that discuss stuff with me. So, I don't understand guy and guys kyun nahi discuss karte. I don't know. As I said earlier also, lot of times कि यार लड़कियों का क्या होता है कि वो डिस्कस करती हैं सब कुछ. राइट. अगर आप माँ नहीं बन पाती सबको पता है. लेकिन अगर लड़के को प्रॉब्लम है
किसी को नहीं पता है, वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं. So I think वो हमें change करनी है mentality इस film के जरिए. That's really important. Right. So at least they will start talking. Of course. And also I feel boys na they really associate a lot of their ego and power to their genital parts. You know. So I think अगर वहाँ पे कुछ ऊँच नीच हो जाए, it's literally like उनकी confidence killing their confidence 100 times. Right. Unfortunately. But at least thanks to the film we'll have another thing to talk about and. I had super fun today too. Yay! It's always a pleasure. जब भी मैं इन दोनों से बात करती हूँ, आयुष्मान and भूमि, and you obviously know there's something else waiting for you. Yeah, तो gift की बरसात हो रही है यहाँ पे. आज संगीता gift देगी. Shit, यार और फिल्में क्यों नहीं release हो रही this year? This is yours, आयुष्मान. बस यार और फिल्में साल. तीन बहुत हैं एक साल में. तीन बहुत हैं. नहीं, I'm very sure अब पलक झपकते ही both of you will be here again. Thank you so much. He's opening it. और जब मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलता तो घर पे जाके खोलते हैं, पर इट्स ओके. नहीं, इट्स ओके, खोल दो खोल दो. आई एम सो ऑनेस्ट यू चेक. यू वांट एक्सचेंज? यू हैव नॉट इवन चेक. टेक दिस फॉर व्हाट यू हैव. आई टेक दिस फॉर मायसेल्फ. इट्स ओके. आई थिंक आई डोंट. ओह, आई डोंट नो. ओके. ये था आज का एपिसोड ऑफ यार मेरा सुपरस्टार. ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक अनदर यार अनदर सुपरस्टार, सेम संगीता ऑन Zoom. टर्न ऑन. टर्न ऑन ही तो नहीं हो रहा है इस फिल्म के अंदर, शुभ मंगल सावधान में. दैट टू.